हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली फॉर दो स्टूडेंट है जिनका सीए इंटर का एग्जाम मई 2020 टर्म में ड्यू है। सर, आप लोगों की अभी ट्यूशंस कंप्लीशन स्टेज पे। अब आपको 2-2.5-3 महीने घर पर रहना है, एकांत में अकेले, एंड प्रिपेयर करना है उस फाइनल जंग के लिए जो मई 2020 में सीए इंटर एग्जाम्स के रूप में आपके सामने आएगी। दीज 6-7 मंथ्स आर मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ एनीवनस लाइफ। मेरे करियर में भी मैं आज भी याद करता हूँ वो सीए इंटर के ट्यूशन डेज, एंड आई एम श्योर कि आपके लिए भी ये 6 महीने सबसे ज़्यादा अच्छे रहे होंगे, इन स्पाइट ऑफ हेक्टिक शेड्यूल्स, इन स्पाइट ऑफ इतना सारा डांट फ्रॉम ऑल दी टीचर्स, बट यू हैड लव्ड दोज 6 मंथ्स which were in which you were in tuitions and you were studying। देखो, अभी तक आपका बेस बिल्ड हो चुका है, आपने सब्जेक्ट्स को समझ लिया, सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर्स थे उनको आपने पढ़ लिया। अब 2-2.5 महीने में जो मेरे को मई 2020 एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करना है, दीज 2-2.5 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रिपरेशन। बींग अ रैंक होल्डर इन सी ए एंड सी एस, वो भी सिंगल डिजिट रैंक होल्डर, रैंक 135, आई मतलब ऑलवेज से कि जितना भी आपने 6 महीने में मेहनत किया है उसका दुगना मेहनत आपको ये 2-2.5 महीने में करना है ताकि जो फाइनल जंग है उसको हम जीत सके। अब हम लोगों को काम रहना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, जो शायद हर ट्यूशंस में हर सी टीचर करवा पाए ये पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए हम नवीन क्लासेस से, मैं नवनीत मुंद्रा एंड ऑल्सो अमित सर विल बी हेल्पिंग यू फॉर योर प्रिपरेशन इन द नेक्स्ट 2-2.5-3 मंथ्स। चाहे आपने हमसे ट्यूशन ली हो, चाहे ना ली हो, चाहे आप कोलकाता के हो, चाहे आप आउटसाइड कोलकाता के हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ जो आपकी मई 2020 एग्जाम में बहुत कुछ एड ऑन करेगा। पहला, हम लोग एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम चैनल नॉर्मल टीचर्स के टेलीग्राम चैनल से अलग होगा, ये 2-वे कम्युनिकेशन का टेलीग्राम चैनल होगा जहां हम आपसे और आप हमसे दोनों एक दूसरे से बात कर सकेंगे। ये टेलीग्राम चैनल एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं होगा, ना कोई स्टूडेंट कुछ ऐसा पोस्ट करे जो किसी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हो, ना कोई टीचर या हमारी क्लास की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा पोस्ट करे जिसमें कोई एडवर्टीजमेंट हो। ये ग्रुप सिर्फ मई 2020 एग्जाम फोकस के लिए बनाया जा रहा है। ग्रुप का नाम रहेगा नवीन क्लासेस सीए इंटर मई 2020 एग्जाम्स। ये ग्रुप में वही स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा, आप डायरेक्टली ऐड नहीं हो पाओगे, आपको ऐड किया जाएगा, हमारे द्वारा ऐड किया जाएगा, जो एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके बहुत बहुत ज्यादा सिंसियर है। उसके लिए एक गूगल फॉर्म के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उस गूगल फॉर्म में बेसिक आपका डिस्क्रिप्शन हमने लिया है, आप वो डिस्क्रिप्शन फिलअप कर दो, आपके पास लिंक चली जाएगी, इनवाइट लिंक फॉर द ग्रुप, आपको इनवाइट कर लिया जाएगा, या आपको डायरेक्टली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करेगा, आपको ग्रुप की लिंक सेंड नहीं की जाएगी। देखो, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि इस तालाब में ऐसी कोई मछली ना आ जाए जो पूरे तालाब को खराब कर दे, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे का करियर स्टेक पे रखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे दिन रात मेहनत से पढ़ाई करें। तो आपको इस ग्रुप में अगर ज्वाइन होना है तो आपको हमें रिक्वेस्ट करनी होगी, गूगल फॉर्म भरना होगा, एंड हम आपको उसी समय इंस्टेंटली ज्वाइन कर देंगे। पूरे प्रोसेस में 2 मिनट भी नहीं लगेगा बॉस, बट अगर मैंने सबको ओपन कर दिया ना तो फिर ऐसा भी होगा कि कुछ बच्चे सिर्फ मजा लेने के लिए आएंगे, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। सर, इस ग्रुप में आप करोगे क्या? 3 चीज। पहला, डाउट सॉल्विंग। होता क्या है, जब क्लास में हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो क्लास में सर ने पढ़ाया उस समय बहुत स्मूथली निकल गया, बट जब आप लास्ट 3 महीने में 2.5 महीने में वो वापस पढ़ने बैठोगे ना, बहुत सारे डाउट्स क्रॉप इन होंगे। डाउट्स एज इफ इन द बेसिक्स ऑफ द टॉपिक, डाउट्स इन फॉर्म ऑफ इन कोई सम, कोई एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है जो नहीं समझ में आ रहा है, ये सारे डाउट्स आपके सॉल्व किए जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल में। आपको अपना डाउट प्रॉपरली स्नैपशॉट देना है क्वेश्चन का या जो भी पार्ट है उसका, एंड डाउट अच्छे से मेंशन करना है, चाहे वो अकाउंट्स का हो, एफएम का हो, कॉस्ट का हो, डीटी डायरेक्ट टैक्स का हो, लॉ हो या ऑडिट हो, सारे सब्जेक्ट्स के डाउट आप पोस्ट कर सकते हो ग्रुप में, एंड सारे का आंसर हम आपको करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करना चाहे डाउट सॉल्विंग में, स्टूडेंट भी कर सकता है, जिसको हम फाइनली बैक करेंगे वो स्टूडेंट ने सही बोला या नहीं बोला, जिससे आपको हमेशा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा।
डाउट भेजने के बाद क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क भेजने की जरूरत नहीं है. बी पेशेंट, हम लोग जैसे ही फ्री होंगे सबसे पहले आपको आंसर करेंगे. वी ऑल थ्री विल बी एक्टिव इन द ग्रुप एंड एक भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो सॉल्व नहीं किया जाएगा. दूसरा, रेगुलर प्रैक्टिस. जैसे जैसे इंपॉर्टेंट सम्स हमें मिलते हैं क्लास में या हम आरटीपी एमटी पे रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते हैं, हर दिन इंपॉर्टेंट सम्स आपको ग्रुप में दिए जाएंगे. अगर आपको जैसे ही अपने शेड्यूल में टाइम मिले या अगर आप रेस्ट कर रहे हो उस समय उस क्वेश्चन को निकाल के सॉल्व करो. सॉल्व करके शाम को ग्रुप में आंसर पोस्ट कर दिया जाएगा. वो आंसर को चेक करके आप अपना फाइनलाइज कर लो कि मैंने जो किया वो सही है या नहीं. ग्रुप में आंसर पोस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको आंसर भेजा जाएगा, आप अपना आंसर खुद से चेक कर लो. कोई डाउट है तो फिर आप डाउट रेस करके उससे पूछा जा सकता है. तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार फैक्टर. स्टार फैक्टर, रिविजन एंड समरी ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर रिक्वेस्ट. आपको अगर लगता है कि प्रिपरेशन के समय कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है, आप अपना टॉपिक का क्वेरी लिख के ग्रुप में छोड़ दो. हम उसका एक पोल करेंगे. अगर ग्रुप में लोगों को और भी लोगों को प्रॉब्लम होंगी तो हम पर्सनली उसके ऊपर एक क्रिस्प अच्छा सा वीडियो बना के आपको दिया जाएगा एंड आपको समझा पूरा का पूरा टॉपिक समझाया जाएगा. अगर ऐसा लगेगा कि आपका सिंगली कोई डाउट है कोई टॉपिक में, मैं खुद अगर वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो हम लोग ऑडियो के थ्रू आपको वो डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट रिविजन या समरी वीडियो चाहिए और आपको ऐसा लगता है वो आपकी प्रिपरेशन में एड ऑन करेगा, आप ग्रुप में रिक्वेस्ट करो, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे. हमारी क्लासेस के जो वीडियो है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम डिस्कस करते हैं, उससे आपको वो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा. सो दैट यू कैन कंप्लीट योर जो सेल्फ स्टडी है इन अ वेरी 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 प्रॉपर मैनर. तो ये तीन चीज, डाउट सॉल्विंग, रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिविजन समरी ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा. प्लस एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना है, प्रिपरेशन किस तरीके से करना है उसका बेसिक, थोड़ा सा मोटिवेशन, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विथ यू सो दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस यू कीप अपडेटेड, यू बी मोटिवेटेड एंड यू कैन प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम्स एज वेल. डन. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, लास्ट दो टर्म से मैंने स्टूडेंट को ये एएस एंड इको की रिवीजन सीरीज दी एंड इसने बहुत हेल्प किया है प्रिपरेशन में. हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 55 टू 60 मार्क्स दोनों ग्रुप अकाउंट्स में, 200 मार्क के पेपर में 55 मार्क्स अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करता है तो मतलब 25-30% मार्क्स उसी टॉपिक का है. ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में और बच्चे जिस तरीके से पढ़ते हैं, टेक माई पॉइंट, मैं 100 में 100 मैंने स्कोर किया है सीए इंटर में. अगर आप चाहो तो फुल ऑन फुल मार्क्स ला सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, बट उसमें लिखने का तरीका, उसको समझने का तरीका, पढ़ने का तरीका, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. इसके लिए आप हमारी एएस की इको की रिविजन सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हो. अब वो ओपन है, आप चाहो तो रिविजन सीरीज को सब्सक्राइब कर लो. एड्यू दोस्त ऐप के थ्रू भी आपको अवेलेबल है एंड नंबर टू पेन ड्राइव में भी आपको अवेलेबल है. दोनों तरीके से ही आप कर सकते हो. जो हमारे करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला एएसई को रिवीजन सीरीज फ्री है, बट जो हमारे स्टूडेंट नहीं है उनके लिए एक मिनिमल चार्ज है जो उनको बियर करना पड़ेगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ग्रुप वन में टोटल 5-6 आवर्स, ग्रुप टू टोटल 10-12 आवर्स का कंटेंट है. इतने कम समय में अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करके With questions प्रैक्टिस कर पाओ तो मेरे हिसाब से उससे अच्छा कुछ नहीं है. और ये वही पोर्शन है जो सबसे टफ लगता है आपको अकाउंट्स में, एंड मैं उसको सबसे ईजी कर दूंगा ताकि आप फुल ऑन फुल एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर सको. दूसरा इको, नवनीत सर जिस तरीके से इकोनॉमिक समझाते हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेके, उन्होंने अपना पूरे का पूरा जो इको का सिलेबस है उसको समराइज कर दिया है 7-8 आवर्स विथ क्वेश्चंस ऑफ ऑल क्वेश्चन ऑफ इंस्टीट्यूट मटेरियल एंड अब इस टर्म में जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आए उनको भी वो कवर कर देंगे. तो ये एएस एंड इको की रिवीजन सीरीज आप सब्सक्राइब कर सकते हो. करंट बैच के लाइव बैच के स्टूडेंट जो है, पेन ड्राइव के स्टूडेंट जो है, उनके लिए फ्री है, बट जो दूसरे स्टूडेंट्स है या पुराने बैच के स्टूडेंट्स है उनको एक मिनिमल चार्ज देके इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. ये दो इंपॉर्टेंट डिस्कशन मेरे को करने थे मई 2020 टर्म्स के स्टूडेंट के साथ. अगर आपको ये वीडियो समझ में आपको लगा दिस विल एड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, प्लीज नंबर वन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, नंबर टू सब्सक्राइब फॉर द रिवीजन कोर्स. मैं बोल रहा हूँ दैट विल हेल्प यू अलॉट. यू विल पर्सनली मैसेज द इंपॉर्टेंस कि आपको कितना अच्छा लगा और आपको कैसा फील हुआ आफ्टर डूइंग द रिवीजन सीरीज, क्या डिफरेंस आपकी प्रिपरेशन में हमने क्रिएट किया. नंबर थ्री, शेयर करें विथ मोर एंड मोर फ्रेंड्स. होता क्या है बहुत बार कुछ अच्छी चीजें
लोग शेयर नहीं करते, और कुछ बकवास बातें लोग बहुत जल्दी से शेयर करते हैं। अच्छी चीज़ों को शेयर करें, आपको भी हेल्प करेगा, लोगों को भी हेल्प करेगा, और आपका भी नाम होगा। हमें भी इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और नया नया कंटेंट और नया काम आपके लिए कर सके। थैंक यू सो मच। दिस इज अविनाश संचेती साइनिंग ऑफ टाटा।